और तुम कहाँ थी आज? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मेडिसिन लेकर रेस्ट कर रही थी। अरे बेटा, क्या छोटी छोटी बात पे दरबार लगा के बैठ जाते हो? आई थी आफरीन मेरे पास, मैंने उसको भेजा था आराम करने के लिए। फिर रानिया जो साई की तरह मेरे साथ लगी हुई है उस वक्त से, यही नहीं उसने तो मेरे लिए परहेजी खाना भी बनाया है। Really? मुझे तो लगता था शायद तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। वो मानी को जरूरत थी ना तो बस सीख ली, आखिर ख्याल भी तो रखना है ना। वकार, मैं आपका खाना यहीं ले आती हूँ, आंटी के साथ बैठ के खाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। वकार बेटा अब्रार जा रहे। क्या मतलब, कहाँ जा रहे? मुझे यकीन था अब्रार का जाने का सुनकर तुम्हारे कदम खुद ही उस कमरे की तरफ उठेंगे। बहुत इंतजार करवाया तुमने यहाँ आने में। है साजिशी ये दुनिया हुई, है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह कहाँ गई थी? हुई हर खुशी। अब वकार, वो मैं आंटी के पास थी, वो बहुत अपसेट है। मुझे लगता है आपको अब्रार से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। आफरीन समझाया उसे जाता है जिसकी नजर में आपकी बात की कोई अहमियत हो, और वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। कोई कुछ भी कहे उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मनमानी करनी होती है। वकार वो जज्बातीपन में बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन आप तो उसके बड़े भाई हैं ना, आपको उसे समझदारी से लेकर चलना पड़ेगा। आंटी की तबीयत आपके सामने है। देखिए प्लीज, आंटी के खातिर आप अब्रार से बात करें, उसे समझाएं।